हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू इंडियन इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल अबाउट दैट हाउ कैन यू चेंज योर स्ट्रीम आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज भाई आप लोग अगर कोई कॉलेज में सपोज कोई ब्रांच मिल गया ई मिल गया इलेक्ट्रिकल मिल गया आई मिल गया तो आप कैसे उससे ट्रांसफर हो सकते हैं टू अदर ब्रांच है आदर यू वॉन्ट टू गो फॉर द सी एस सी यू वॉन्ट गो फ्रॉम द ई सी टू आई टी यूट यू वॉन्ट गो फ्रॉम द मैकेनिकल टू आई टी मैकेनिकल टू सी एस सी इलेक्ट्रिकल टू सी एस सी या सी एस सी सलेक्ट्रिकल अगर जाना चाहते तो हाउ कैन यू चेंज ओके और इज इट पॉसिबल क्या ये पॉसिबल है तो मैं आज इसको इसके बारे में आज एक्सप्लोर से विस्तार से बताऊंगा ओके एक्चुअली आई हैव प्लान दिस वीडियो आफ्टर द डब्ल्यू ए काउंसिलिंग मैंने लेकिन ये डिसाइड किया कि अभी बनना चाहिए क्योंकि भाई बहुत लोग जो मैं डाउट पूछे भैया क्या ये ब्रांच लेना सही होगा ओके okay? मैं इसमें बात करूंगा इस पर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइ इफ यू आर नीव टैन डोट डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माय चैनल फॉर प्रोवाइडिंग सच इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि आप लोग के लिए भाई बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ आयदर डब्ल्यू आई काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग एनआईटी आई बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है इसमें सो मेक्स यू टू सपोर्ट माई चैनल भाई क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मेरे को मोटिवेशन करता है ओके okay? सो so, बात करते हैं हाउ टू चेंज स्ट्रीम आफ्टर गेटिंग इन कॉलेज सबसे पहले भाई सवाल आता है कि हाई आई एम चेंजिंग स्ट्रीम ओके सो एक्चुअली मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली दिस इज नॉट गुड बट दे आर शेयरिंग दैट या सी एस सी टी इज वन ऑफ द प्रोफाउ ब्रांच है बहुत बड़ा प्रोफाउंड ब्रांच है भाई एंड आई वट टू टेक दट पर्टिकुलर ब्रांच मैं वो पार्टिकुलर ब्रांच लेना चाहता हूँ लेकिन सपोज भाई मेरा वो रैंक नहीं है सो एम आई बिकम वेरी डिसअॉइंटेड एंड आई वॉन्ट टू गेट चेंज दैट ब्रांच ओके मैं वो 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 ब्रांच को चेंज करना चाहता हूँ यानी मैं ई सी में सी 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 एस सी में जान चाहता हूँ भैया मैं आई टी में हूँ मैं सी एस सी में जान चाहता हूँ मैकेनिकल में हूँ सी एस सी में जान चाहता हूँ सो okay? so, किस तरह से चेंज करेंगे ओके एंड आई एम गिविंग यू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओके आई एम गिविंग यू द ऑफिशियल थिंग्स मैं ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ बोल रहा हूँ मैं ऑफिशियल बोलूंगा जो भी बोलूंगा ओके एंड दिस इज द ऑफिशियल प्रोसीज़्योर ओके सो बात करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोवाइड फैसिलिटी टू टू स्टूडेंट्स कोई भी आप यूनिवर्सिटी में गए दिस फैसिलिटी ओके मीन दिस इज फैसिलिटी यूजीसी दैट इज ऑफिशियल यू कैन सेंट्रल लेवल तो ये भाई ऑफिशियल प्रोवाइड होता है यूजीसी ओके okay? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा डोंट मिस एनी सेकंड बिकॉज एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई कॉलेज में प्लान ले रहे हैं ओके okay? और मैं पहले ही बोला था भाई आप ब्रांच से थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं बट डोंट कंप्रोमाइज विद द कॉलेज कॉलेज से भाई कंप्रोमाइज आपको करना ही नहीं है बिकॉज दिस इज सम हाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके सो बात करते हैं किस तरह से चेंज करना है ब्रांच को ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आफ्टर फर्स्ट ईयर ओके तो कब से चेंज होगा भाई सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर पूरा जम के पढ़ाई करना होगा एंड आफ्टर द फर्स्ट ईयर यू विल बी गिवेन अ फॉर्म फॉर चेंजिंग योर ब्रांच आपको भाई एक फॉर्म मिलेगा सिंपली दैट वेदर यू वांट टू चेंज द ब्रांच और नॉट ओके मीस नॉट नहीं अगर आप इफ यू वॉन्ट टू चेंज द ब्रांच देन यू हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म दैट या आई टू चेंज द ब्रांच आई एम नॉट द से बट देर इज सम ओके समय देर आर कंडीशन ऑन बिच इट इज गिवन क्योंकि भाई ऐसा इतना नहीं है कि आप फिर बस चेंज करना चाहेंगे मोर देन बहुत सारा स्टूडेंट चेंज करता होंगे ओके okay? एंड वेन फॉर्म विल भी बिगिनियरलीफ्टी परसेंट स्टूडेंट ब्रांड टू चेंज द ब्रांच ऐसा नहीं भाई सब ब्रांच चेंज हो जाएगा ओके देर आर लिमिटेड सीट सीट भाई लिमिटेड होता है okay? ओके And I'm saying ओनली टेन परसेंट seats आर लिमिटेड सो यू हैव अ ग्रेट चैलेंज आपको कंपटीशन भाई बहुत रहेगा इसलिए मैं रहा था भाई फर्स्ट ईयर से जैसे आप घुसेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जमकर मेहनत करना है बाईजीपीए सी जी पी मेंटेन करके रखना है ओके आने वाले दिनों में बताऊँ की सी जी पीए क्या होता है बाईजीपी क्या होता है अभी बस समझिए कि मार्क्स होता है ओके okay? सो so, आपको मार्क्स को मेन्टेन करके रहना है सो दैट इज ऑल अबाउट दैट मैं आपको फॉर्मेट वगैरह दिखाता हूँ किस तरह से चेंज होता है ब्रांच ओके okay? सो so, देखिए ये एक्चुअली दिस इज द नोटिस ऑफ वन ऑफ द कॉलेज दैट केम ओके सो यहाँ देखिए लिखा गया कि ऑल थर्ड सेमेस्टर बी टेक स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड बाई जी पी एफ एट पॉइंट फाइव एंड अबोव टू अपला मकआउट फॉर द स्ट्रीम चेंज एज पर एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी शुड बी अपलाइड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो यानी क्या बोल रहा है भाई ऑल द थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट मैं पहले बोला कि आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल बी गिवेन द नोटिफिकेशन जैसे ही अब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा देन यू विल बी प्रोवाइडेड गूगल फॉर्म वेयर यू हैव टू प्रोवाइड सफिशियंट डिटेल ऑफ ऑल थिंग्स ओके तो so, यहाँ देखिए लिखा है कि मेंटेन यू हैव टू सिक्योर वाई जी पीफ एट पॉइंट फाइव एंड अव यानी एट पॉइंट फाइव से अबोव रहना चाहिए तो भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं आप अगर मेरा वीडियो को फॉलो करेंगे आई विल प्रोवाइड सम टिक्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट यू विल गेट मोर देन नाइन जी पी जी कैसे आप ला सकते हैं बहुत आसान है भाई अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कीजिएगा आई विल प्रोवाइड इन अ कमिंग डे ओके सो मेक्स यू टू सपोर्ट दिस थिंग्स ओके मैं आप लोग पहले ही बोल रहा था भाई इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है ओके okay? सो यू हैव टू मेटेन द मोर देन एट पॉइंट फाइव बाई जी पी एंड टॉक भाई जब आप कॉलेज में घुसेंगे देन यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली आईव ऑलरे अपोड दीडियो ऑफ द सलेबस वेलेबस द बी टेक फर्स्ट ईयर सोफ इफ यू हैवन चेक यू कैन चेक आउट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन और यू आर माई प्ले लिस्ट सो उसमें मैं बताया हूँ कि भाई ऑल द सब्जेक्ट्स मीनस वट एवर द टॉपिक्स दट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास टूवेल्थ दैट यू हैव टू लर्न इन द बी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो भी भाई आपने ट्वेल्थ में, में पढ़ा लेवल्थ में पढ़ा उसको भाई आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो थोड़ा इजी है ओके okay? अगर आपने नहीं भी पढ़ा, पढ़ा है अच्छे से ट्वेल्थ में दिन आप से कर सकते हो तो कहूंगा दिस टाइप ऑफ फॉर्म भाई आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा दैट फॉर्मेट ऑफ हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको यहाँ नेम लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल uh, okay? यहां पर आपका कॉलेज का नाम रहेगा एप्लीकेशन टू द स्ट्रीम चेंज फ्रॉम फ्रॉम करेंट ब्रांच अगर आप चाहते हैं कि सी एस सी आई टू तो देट सी एस सी टू आई टी इफ यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम द आई टी ओके सी एस सी आई टू तो वही आप सी एस सी से आई टी लिख देंगे जो कि कोई चेंज करना नहीं चाहेंगे बट अगर आपको किसी का इंटरेस्ट आता है वो तो चेंज कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट चेंज फ्रॉम द मेनिकल टू आई टी देव टू राइट आई टी एम ई टू सी एस सी ओके सो दिस इज अबाउट दट उसके बाद क्या लिखना है डियर सर डियर सर लिखना आप फॉर्मेट भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो okay? मैं यानी मैं पहले बोल था कि, as have enrolled in third semester, जैसे आप third semester में कुछ सेंगे, आपको message आ जाएगा एंड बीटेक इन करेंट स्ट्रीम तो कौन सा स्ट्रीम है भाई अभी आप कौन सा स्ट्रीम है सी एस सी में सीएससी में, में लिखे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जो है लिखे एंड बाईजी आपको कितना है वो लिखना है एस जी बी कितना है वो कि, लिखना है okay? no okay? मार्क्स है आई wish टू अप्लाई फॉर स्ट्रीम चेंज टू फर्स्ट और second डिजायर स्ट्रीम मैं कौन सा स्ट्रीम में चेंज करना चाहता हूँ सो so, आप दो या तीन ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं या मुझे सी एस सी मिला तो ठीक है भाई नहीं तो मैं आई टी में करना चाहता हूँ ओके दैट इज ऑल थिंग लास्ट में आपको लिखना है यूर फेथ फुल्ली और आपका नेम ऑफ स्टूडेंस लिखना है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स ओके दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओके एंड नो नीट टू बी अवर कि भैया कब फॉर्म आएगा हमको कैसे पता चलेगा आई विल अपलोडेड मीनस आई विल फॉर हाई डू अपडेट इन दिस चैनल टू और आपको कल से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको बड़ी होने का तो दिस इज ऑल अबाउट दैट आप आ, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं टू द एप्लीकेशन जिसको आपको लिखना होगा एंड भाई बी केयरफुल एंड बी पैसनेट टुवार्ड योर वर्क टुवार्ड योर स्टडी इफ यू वांट टू चेंज द स्ट्रीम अगर सपोज भाई आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा इसी मिलेगा और आप चेंज करना चाहते हैं कि भाई मुझे चेंज करना दे बहन आपको भाई दोस्तों के साथ मस्ती करने के अलावा आपको पढ़ना होगा एंड ज़्यादा भी आपको मेहनत नहीं करना नॉर्मल आप पढ़ेगा मोर देन नाइन सी पी आ जाएगा एंड दैट इज एन अपविंग टू लास्ट सेक्शन दैट इज द अंडरटेकिंग फॉर द स्ट्रीम चेंज ओके सो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा दिस इज थ्रू द प्रिंसिपल, आई बीर इन यूनिवर्सिटी रोल नंबर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये सब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा आई आई आर बाई एग्री टू क्लास इन द न्यू डिपार्टमेंट एज पर रिलेटेड लिस्ट प्रोवाइड बाई द कॉलेज प्रोविजन इफ द अपीलेशन आर नॉट अप्रूव बाई दर्सिटी दिन आई सोल नॉट अटेंड द क्लास इन माई प्रीवियस स्ट्रीम यानी भाई ये आपको अंडर टेकिंग पड़ेगा कि मैं एक न्यू स्ट्रीम में आप जाने के लिए रेडी हूँ और आई वॉन्ट टू चेंज दैट ओके तो ये सिंपली आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा एंड फाइनली जब आप हो जाएगा आपका अप्रूव तो

आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा गोल फॉर दैट सो गाज दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स आई हैव टू डिस्कस आई होप दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू अगेन आई एम दैट भाई इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज द ब्रांच फ्रॉम एनी टू मैकेनिकल टू सी इलेक्ट्रिकल टू सी सी टू सी देन यू मस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस केयरफुल द फर्स्ट फ्रॉम द फर्ट ईयर ओके क्योंकि भाई मैं इस वीडियो बनाने का मेरा वक्त ही था क्योंकि आप लोग भाई अभी डब्ल्यू काउंसिल चल रहा है आप ये वीडियो क्यों बनाए आई आप कॉलेज लेने में कोताही नहीं कर दे कोई लो कॉलर ले ले, ले. ले कोई भी आप ले दैट्स फाइन बट ब्रांच आपका चेंज हो जाएगा उसमें बरीव आउट कर नहीं बट okay? आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सो गाय दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दट आई होप दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू आपको वीडियो कैसा लगा भाई प्लीज कमेंट में आप बताएं ताकि मैं इस तरह का वीडियो और प्रोवाइड कर सकूँ एंड यू मस्ट